साथियों, हम ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो ओपन रिसोर्स है, मतलब लाइसेंस फ्री है, जिसका उपयोग हम ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये है एंकर सॉफ्टवेयर और ऑडासिटी सॉफ्टवेयर। वैसे तो हमारे मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर भी होता है, जिसकी सहायता से हम वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। पर रिकॉर्डिंग के बाद अगर हमें किसी प्रकार की एडिटिंग करनी है या एक्स्ट्रा इफेक्ट डालना है, तो वो सुविधा वॉइस रिकॉर्डर में नहीं होती है। इसीलिए हमारे पास एंकर और ऑडासिटी जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसका यूज़ हम वॉइस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एंकर सॉफ्टवेयर को आप किसी भी साधारण मोबाइल में गूगल प्ले में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं अगर आपको ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, उसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। चलिए जानते हैं कि एंकर सॉफ्टवेयर और ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाएंगे। अब गूगल में जाकर हमें एंकर टाइप करना है। अब एंटर पर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है, एंकर ऑल इन वन पॉडकास्टिंग टूल, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपका पेज ओपन हो गया। अब इस साइन इन करना है। अब मेरा जीमेल अकाउंट है, उसमें जाके मैं लॉग इन कर रही हूँ। पासवर्ड डाल के नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अब आपका ये एंकर सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। न्यू एपिसोड में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, आपको तीन चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। रिकॉर्ड, जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाइब्रेरी, जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे वो आपको लाइब्रेरी में दिखाई देगा। म्यूजिक, म्यूजिक में आप रिकॉर्डिंग जो करेंगे उसमें म्यूजिक ऑप्शन को डाल सकते हैं। मैसेजेस, देन नेक्स्ट है ट्रांजिशन, जिसमें आप साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसको जानते हैं। रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग नाउ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया है। तो आपको जितनी भी देर रिकॉर्डिंग करनी है, आपको आपको यहाँ पर टाइमिंग दिखाई देगा। अब चाहे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, तो आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, जो रिकॉर्डिंग किया था ये प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है तो उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें से कोई भी ऑप्शन को आपको चूज करके बैकग्राउंड म्यूजिक आप डाल सकते हैं। अब इसे हमको एडिट करना है, तो इसके लिए हमें इसको ड्रैग करके हम राइट साइड में लेके आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो एडिटिंग के लिए हमको जो थ्री पॉइंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। थ्री डॉट जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। एडिट ऑडियो पर क्लिक करना है। तो जो भी हमने रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर देखिए ये ट्रैक दिखाई दे रही है, यहाँ पर आके हम एडिट कर सकते हैं। अब एडिट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जिस पोर्शन को हटाना है वहां से हम क्लिक करके स्प्लिट में क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हुए जितना पोर्शन हमें हटाना है वहां तक ले जाएंगे। फिर से स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट पॉइंट तक इसको हमको डिलीट करना है। तो ये देखिए, डिलीट हो गया है। अब एडिटिंग के बाद इस ऑडियो को हमको सेव करना है। तो हमें सेव ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सेव एज मल्टीपल सेगमेंट, सेव एज वन न्यू सेगमेंट। तो अगर आपको मल्टीपल सेगमेंट सेव करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, पर मैं सेव एज न्यू वन सेगमेंट में क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो फाइल एडिटिंग के बाद आपकी रेडी हुई है, यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब आपकी फाइल एडिट हो चुकी है। अब इसमें अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हैं,
बैकग्राउंड म्यूजिक पर क्लिक करेंगे। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है लिटिल पाउडर, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो जो म्यूजिक मैं डालना चाहती हूँ वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि म्यूजिक इसमें आया कि नहीं, तो फिर से हमें इस फाइल को ड्रैग करके एडिटिंग वाले साइड पर ले जाना है। यहाँ पर ड्रैग करके हम ले आए, अब हम चेक करेंगे कि इसमें म्यूजिक आया है या नहीं, तो इसको हम प्ले करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमको इसको एडिट करना है या म्यूजिक को कहीं से हटाना है, तो एडिट ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रैक दिखाई दे रही है, मान लिया जाए मुझे कुछ पोर्शन को हटाना है, तो उस पहले आप प्ले करके देखिए। प्ले करने के बाद जिस भी पोर्शन को आपको कट करना है या हटाना है, तो आप वहाँ पर उस कर्सर को ले जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, स्प्लिट ऑप्शन में जाकर उत्ते पोर्शन को हम सेलेक्ट करके हटा देंगे। तो जैसे यहां पर मैंने इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसे स्प्लिट करूंगी और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, तो इतना पोर्शन जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब इसे सेव कर लेंगे। अब मैं इसे सेव एज वन न्यू सेगमेंट कर रही हूँ, तो देखिए फिर से ये प्रोसेसिंग आफ्टर म्यूजिक के बाद ये प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया है, मतलब अब हमारे ऑडियो में हमारे आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी आ गया है। अब हम इसे लाइब्रेरी में चेक करेंगे, ये ऑडियो देखिए लाइब्रेरी में जितने भी एडिट किया था सब आ गए हैं। अब हम इस फाइल को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमें डाउनलोड ऑडियो फाइल पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो थ्री पॉइंट दिख रहे हैं इस पर जाके क्लिक करेंगे और डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो ऐसे हम एंकर सॉफ्टवेयर का यूज करके ऑडियो का एडिटिंग कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, गूगल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑडासिटी टाइप करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है डाउनलोड ऑडासिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब डाउनलोड ऑप्शन में हमें तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें हम ऑडासिटी फॉर विंडोज इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप देखिए ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब ये डाउनलोड हो गया है, जहां डाउनलोड हुआ वहां जाकर हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो यहां पर आप एरो देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। शो इन फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑडासिटी ऑप्शन जो दिख रहा है फर्स्ट वाला, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब रन पर क्लिक करना है। देन ओके। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते जाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करके फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर देखें हमारा जो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। यहां पर फिर से हमें ओके पर क्लिक करना है। तो इस ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे यहाँ पर हमको
बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, फाइल, एडिट, सेलेक्ट, व्यू, पर हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये जो रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ये प्ले हो रहा है। अब इसे हमें स्टॉप करना है तो यहाँ पर हम जाके स्टॉप कर सकते हैं। अगर इस वॉइस को एडिट करना है तो एडिटिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस जो ट्रैक दिख रही है इस ट्रैक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस पोर्शन को हमें एडिट करना है या हटाना है वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर रही हूँ, इसको सेलेक्ट करके अगर मैं डिलीट पर प्रेस करती हूँ तो वो पोर्शन हट जाएगा। इस प्रकार से आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी फोल्डर में ऑडियो है तो उसे हम अपने ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर में कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम उस ऑडियो को ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं। सबसे पहला हम डायरेक्ट ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो ये ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर में ऑडियो आ जाएगा, जिसे कि यहाँ पर हमने कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका जिससे हम ऑडियो को ला सकते हैं, फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑडियो में क्लिक करेंगे और जिस भी फोल्डर में हमारा ऑडियो है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं और ओपन करेंगे तो ये हमारा आ गया ऑडियो। तो इस प्रकार से हम दो तरीके से ऑडियो ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ट्रैक दिखाई दे रही है और इसको प्ले करने के बाद आपको उसका पिच दिखाई दे रहा है। अगर इसको हमको माइन्यूट कटिंग करनी है तो हम इसको जूम इन करेंगे। जितना हम जूम इन करेंगे तो देखिए वेव्स हमको उतनी अच्छे से दिखाई दे रही है, तो उस पोर्शन को हम अच्छे से कट कर सकते हैं। माइन्यूट जो मिस्टेक है उसको हम कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस पोर्शन को कट करना चाह रही हूँ तो सीजर ऑप्शन में जाके भी आप कट कर सकते हैं या डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे मुझे कट नहीं करना है, मुझे इसका दो भाग बनाना है, तो इसको मैं फिर से जूम आउट कर लेती हूँ। जूम आउट करने के बाद जिस पोर्शन से मुझे दो भाग बनाने हैं उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगी। सेलेक्ट करके हम इसे कट कर लेंगे। चाहे आप कंट्रोल एक्स दबाकर भी कट कर सकते हैं। तो कट करने के बाद यहां पर हमको इसको पेस्ट करना होगा तो फाइल में जाकर हम उसे न्यू ऑप्शन में क्लिक करके उसे पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए दो ट्रैक हमारी रेडी हो गई है। तो दो भाग में हमने वॉइस को डिवाइड कर लिया। तो इसे हम जूम आउट करते हैं तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं दो ट्रैक हो गए। तो ये देखिए जिसको मैंने कट किया है वो पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए हमें फाइल ऑप्शन में जाएंगे, एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाकर एक्सपोर्ट एज MP3 पर क्लिक करेंगे। अब जिस भी फोल्डर में आप इसको सेव करना चाहते हैं फाइल नेम डालकर आप सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा सेव हो गया है। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए ये एक्सपोर्ट हो रहा है, अब ये सेव हो गया।